अस्सलामुअलैकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ और काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से मैं नई वीडियो डाल पा रही थी। और यहाँ पर मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दिया है और दूध वगैरह भी मैंने बॉईल करके रख दिया है, और ये रिफाइंड ऑयल मेरा फिनिश हो चुका था तो मैं यहाँ पर बोतल में इसको भर रही हूँ। 1 लीटर रिफाइंड ऑयल इस डिस्पेंसर में इजीली आ जाता है। और काफ़ी दिन के लिए मेरा ये चल जाता है आराम से, और मैं इस बोतल से ही थोड़ा थोड़ा यूज़ करती रहती हूँ जब मुझे लेना होता है तो। और चिकन को मैंने एक साइड पर मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, ये देखिए, कुछ देर के लिए शाम में मुझे बनाना था। और अभी फ़िलहाल मैंने बनाई थी चिकन बिरयानी, और इसको इसलिए मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। काफ़ी अच्छे से मसाले इसमें फ्लेवर इसमें मसालों का आ जाता है। और ये देखिए, ये बनाई थी मैंने चिकन बिरयानी। तो जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था कि मैं शादी में जाने वाली थी और मैंने मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और उससे नेक्स्ट डे इस दिन हमें नहीं जाना था, इसके भी अगले दिन हमें जाना था, तो मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी। और ये देखिए, बिरयानी अभी मेरी बन चुकी है और अभी हम इसको इंजॉय करेंगे। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और ज़्यादा स्पाइसी मैंने नहीं बनाई है। आज मन था थोड़ी कम स्पाइसी खाने का, तो मैंने इस तरह की बनाई है, और साथ में टमाटर की चटनी और रायता वगैरह मैंने नहीं बनाया है। और ये थोड़ा सा मैंने जो प्याज वगैरह फ्राई करके रखी थी इनको ऊपर से डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने प्याज चॉप करके रखी थी वो भी यहाँ पे ऐड कर दी है। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, दोपहर में हमने चिकन बिरयानी खाई थी और शाम में जो मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था मैंने उसी को फ्राई कर लिया है, ये देखें। और चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। बाहर से मंगा के मुझे खाना कम पसंद है, घर में ही मैं ज़्यादातर फ्राई करती हूँ। और ये दही और हरी मिर्च की चटनी बनाई है मैंने, और ये ओनियन इस तरह से कट करके रखी है इसके साथ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये लग रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं घर की बनी हुई स्पेशली। उसके बाद शाम में हमने सिर्फ चिकन फ्राई ही ये खाया था विद चटनी, और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं खाया था, बस थोड़ा सा ये ही हमने खाया था। और उसके बाद में हो गया था नेक्स्ट डे, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ था। घर में बनाने का और घर में बने हुए खाने का अलग ही टेस्ट होता है, और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है अकॉर्डिंग टू बाहर की कोई भी चीज़ हम लाते हैं तो। और बच्चों की तो ये ऑल टाइम फेवरेट होती हैं चीज़ें, और बहुत ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करते हैं, और ज़्यादा अच्छा रहता है कि उनको घर ही का बना हुआ हम दें। और उसके नेक्स्ट डे बाद हम निकले थे शादी के लिए, और हम जा रहे थे काफ़ी टाइम बाद बस से। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ एक साइड पर, और ये देखे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी बस में, और काफ़ी दिनों के बाद हमने ट्रैवल किया था बस से। और नाइट का फंक्शन था इसलिए, और हमें जाना था मेरठ, और हम वापस भी नहीं आ सकते थे रात के फंक्शन में क्योंकि हम निकले थे, अभी हमें अंधेरा हो गया था काफ़ी, 8-9 बज गए थे हमें वहाँ जाते हुए। तो वहाँ से वापस आना लेट नाइट, वो भी बाइक से, तो इसलिए हम बस से जा रहे थे। काफ़ी दिनों के बाद बस से मैं जा रही थी, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बस का सफ़र। और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ रिसेप्शन था मेरे मामा के बेटे का, शादी में अटेंड नहीं कर पाई थी एक दिन पहले, बट आज था रिसेप्शन। और वहीं से मायके से सभी आए थे, तो उन्हीं के साथ हम घर वापस चले गए थे लेट नाइट, और उसके बाद में हम मॉर्निंग में गाज़ियाबाद के लिए निकल गए थे। और ये
काफ़ी दिन पहले की वीडियो है, जैसे कि आप सभी को पता है मैं नहीं डाल पा रही हूँ वीडियो, तो 2 से 2.5 महीना हो गया है इस शादी को भी। ये वीडियो मैंने इसी तरह एडिट करके रखी है, बस वॉइस ओवर मैंने इसमें नहीं दिया था। बस से उतरने के बाद हमने रिक्शा लिया था और उसके बाद में हम पहुँच गए थे मैरिज हॉल में, और रात में हमने सारा ट्रैवल किया था इसलिए हमें ज़्यादा मालूम नहीं चला था, और हमें 2 से 3 घंटे लगे थे वहाँ पहुँचने के लिए। और ये है मेरे मामा के बेटे हैं ब्लैक चेक्स की शर्ट में, और वाइट शर्ट में मेरे चाचा के बेटे हैं ये, और दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और ये मेरी नानी अम्मी थी और उनके पास मेरा बेटा बैठा हुआ था गोदी में, और ये देखें बहुत ज़्यादा प्यार से उससे बातें कर रही थी। और ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई हैं एक, जो कि मेरठ में जिनकी शादी हुई है, ये उनकी दोनों बेटियां हैं, और ये उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड और भैया और मेरे जीजू वगैरह यहाँ पर खड़े हुए थे सभी, और हम जितनी भी कज़िन सिस्टर थी और भाभियाँ थी वो यहाँ पर बैठे हुए थे। हम सभी यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था, जस्ट सामने ही यहाँ पर स्टेज था ब्राइड का और वहाँ पर फ़ोटो सेशन वगैरह चल रहा था, तो हम भी यहीं पर बैठे हुए थे साइड में। और एक मुझे मेरी फ्रेंड मिली थी जो काफ़ी देर से मेरा वेट कर रही थी, और फाइनली मुझे वो मिल गई, ये हैं वो, और मेरे पास ही बैठी हुई थी और काफ़ी देर हमने बातें की। और मेरठ में ही इनकी शादी हुई है, बट हमारा कभी ऐसे मिलना बहुत कम होता है शादी में, और आज ये मुझे मिली थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पर ये हमारी फैमिली के न्यू मेंबर हैं, जो कि शादी हमारे यहाँ पर है, जो कि मेरी खाला के दामाद हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, और इनकी भी शादी है रिसेंटली, और आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर इनकी शादी के पिक्स वगैरह, वीडियो वगैरह। और अभी हम जा रहे थे खाना खाने के लिए, ये मेरी सिस्टर खड़ी हुई है यहाँ पर पहले से ही, और ये मेरे हस्बैंड और ये मेरा बेटा यहाँ पर खड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड ने तो खाना खा लिया था, और ये मेरी दूसरी वाली सिस्टर आई हैं, और ये मेरे भाई हैं जिनकी शादी हुई है, जिनके रिसेप्शन में हम आए हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे। और देखना इनकी स्माइल भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और फाइनली इनकी भी शादी हो गई है। तो यहाँ पर खाने का सेशन चल रहा था, और ये देखें, और भूख बहुत ज़्यादा ज़ोरों से लगी हुई थी, और ये मेरे मामा के बेटे हैं क्यूट से, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं गोलू मोलू से, और यहाँ पर ये कॉफ़ी लेकर खड़े हुए थे, खाना अभी हमने नहीं खाया था। और भाई ऐसे ही होते हैं यार, बड़े प्यारे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे भाई बहन अल्लाह ने हमें दिए हैं, एक दूसरे से इतना क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। और ये उनकी वाइफ है, यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह अपनी यहाँ पर ये चेंज कर रही थी, उतार रही थी, और ये देखें यहाँ पर घर हम आ गए थे मैरिज हॉल से, सीधा घर आए थे हम कुछ देर के लिए, और यहाँ पर फ़ोटो सेशन चल रहा था फिर से और ये फोटोग्राफर भैया आए हुए थे जो काफ़ी अच्छे थे, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार से सभी की पिक्स ले रहे थे, बिल्कुल भी यहाँ पर वो गुस्सा नहीं कर रहे थे। और ये इनका सारा फर्नीचर वगैरह है जो भी ढंग से सेट नहीं हुआ है, और ये वॉलपेपर लगा हुआ है, काफ़ी प्यारा रॉयल लुक था इस वॉलपेपर का, ग्रीन कलर का था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा हुआ था। और हम सभी यहाँ पर बैठे थे और फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे, और ये मैं सामने वाले रूम में आ गई थी सेकंड रूम में, और यहाँ पर ट्रैक्चर हुआ हुआ था एक वॉल पर, और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये भी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की थी। और ये बहुत लंबे लंबे से यहाँ पर कर्टन्स डाले हुए थे विंडो पर, और ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर ट्रैक्चर हुआ हुआ था। और यहाँ पर मैं आ गई थी साइड में, जो पूरी गली थी ये सज रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी इस पर डेकोरेशन हो रखी थी। खैर अब तो थोड़ी
फिनिश हो चुकी है यहाँ की डेकोरेशन और हम सभी वेट कर रहे थे जाने का, और हम वहाँ से रात में ही निकले थे। और ये देखिए हम सभी आ गए थे अपने मायके के लिए वापस, और बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने पूरे रास्ते। और सभी जब साथ में होते हैं तो और भी ज़्यादा जो सफ़र का मज़ा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम सभी साथ में आए थे और बहुत ज़्यादा हमने मज़ा किया। एक गाड़ी हमारे जस्ट आगे थी, हमारी फैमिली मेम्बर थे। और ये मेरा था प्यारा सा बैंगल का सेट जो कि मैंने घर पे ही मिक्स एंड मैच करके बनाया था, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पता नहीं क्यों मैंने वीडियो बना ली छोटी सी इसकी, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये सेट। और हम जा रहे थे, म्यूज़िक वगैरह हमने चला रखा था और बहुत ज़्यादा हमने मज़ा किया और ऐसी बातें करते हुए, और बहुत जल्दी से सफ़र जो है वो पूरा हो गया और हम आ गए घर अपने वापस यानी मायके में। और वहाँ से हम मॉर्निंग में निकले थे अगले दिन गाज़ीबाद के लिए। नेक्स्ट डे हो गया था और हमें जाना था गाज़ीबाद के लिए, और सडनली प्लान बना, मेरा भाई हमें छोड़ने के लिए गया था, आया है गाज़ीबाद के लिए। और अल्लाह ऐसे भाई सबको दे, इसलिए कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यारे हैं मेरे भाई, और ये वाला भाई तो स्पेशली और भी ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा केयर करता है। और बस इतना सा था आज का व्लॉग। अगर आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।